अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम आपको खान बेला वाली साइड पे सैलाब, जलालपुर के इलाकों में सैलाब आया हुआ है उसका विज़िट कराते हैं, और सब्ज़ी मंडी में सब्ज़ियों के रेट वगैरह अपडेट करते हैं क्या है, मंडी में रेट ज़्यादा हैं। हाँ भाई, बैंगन कितने का है? 300 का 5 किलो। तूरी 250 की 7 किलो। कद्दू 400 का 5 किलो। भिंडी 350 की 350 की 5 किलो। और गवार 500 की 5 किलो। और देसी बैंगन 400 का 5 किलो। और ये मिर्च का गट्टू 350 का वजन 10 किलो। और करेला नींबू और टमाटर और प्याज 1400 वजन 30 किलो 1400 का। हाँ भाई, टमाटर का टापा 1600 वजन कितना? 20 किलो। नींबू 400 रुपये चाइना 400। बैंगन नीलम 350। टमाटर की पेटी 1000 रुपये वजन 12 किलो। और आलू 16 दे। दूरी कितनी? दूरी 230 बीच में। कितनी जहन जिले वाले से? कितनी रुपया दे? हाँ भी, अंगूर गोला कितने का है? 2200 वजन 9 किलो 10 किलो 11 किलो 11 ये भी 2200 12 किलो वजन 2200 गोला। साढ़े 800 का वजन 4 किलो 850 कितने का? 2100। और अनार 1200 वजन 9 किलो। साढ़े त्रै सौ साढ़े त्रै सौ रुपये। ये भी मेरे देसी
मिर्च देसी 400 रुपये धड़ी, 80 रुपये किलो। टमाटर 300 350 रुपये धड़ी, 1000 से लेकर 1400 रुपये का टापा है। 16 किलो से लेकर 19 किलो तक वज़न है इसका। मौसमी का शापर 200 रुपये धड़ी, 40 रुपये किलो। और मिठे का शापर 200 रुपये धड़ी से लेकर 300 रुपये धड़ी, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये किलो। जैसा माल वैसे पैसे। अंगूर VIP 1600 से 1800 रुपये की टोकरी है, 9-10 किलो वज़न है। VIP माल है कंधारी, गोला अंगूर है ज़बरदस्त क्वालिटी में। जलालपुर में सैलाब की वजह से सब्जियां मंडी में कम हो गई हैं। दरियाए सतलुज का सारा पानी जलालपुर की कई आबादियों में दाखिल हो गया, जिसमें से लोगों का कपास का, सब्ज़ी का, मकई का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला इन सब की मदद फरमाए और इनको इस बुरी आफत से बचाए। सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा इलाके तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह जो इलाकों से आता था मौसमी मीठा, वो कम हो गया और रेट ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए मंडी में माल कम आ रहा है। सैलाब 2-3-4 दिन, पता नहीं 15-20 दिन रहता है कि हफ्ते में ख़त्म हो जाता है। जब तक सैलाब है लोगों के लिए मुश्किलात रहेंगी। ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, कल हमने इस जगह का विज़िट किया था, इधर एक कतरा पानी था। रात रात में ये जगह सारी पानी से भर गई है। ये खान बेले के रोड का साथ का इलाका है, जहां कपास की फसल थी सारी डूब गई है, और ये सारा इलाका तकरीबन पानी में डूबा हुआ है। लोगों की आमदोरफ्त के रास्ते भी हैं, वो सारे पानी में डूबे हुए हैं। ये देखें, ये कपास की फसल थी जो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई है। इसी जगह से रोड और ये सारी चीज़ें, जो इलाका नज़र आ रहा है सारा पानी में डूबा हुआ है। लोग दूर दूर से इलाके का विज़िट करने आ रहे हैं। ये खान बेला का मेन रोड है, ये भी सारा पानी में डूबा हुआ है। पानी की आप स्पीड चेक करें कितनी तेज़ी से पानी आगे इलाकों की तरफ बढ़ रहा है, और ये आगे उमरपुर के बंद के साथ टकराएगा। उसके बाद पानी की सतह मज़ीद बुलंद होने जा रही है।